हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, अभी जो वॉर का सिनेरियो चल रहा है मिडिल ईस्ट में, मेनली इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में, इसका इफेक्ट क्या हो सकता है ब्रैडकॉम ग्रुप में, इसके बारे में बात करेंगे। उसके पहले आपको बता दूं, अगर आपको चाहिए जैकपॉट शेयर या आप चाहते हो आपका पोर्टफोलियो हमारी टीम हैंडल करे, तो उसके लिए व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। फ्रेंड्स, आप जानते हैं वॉर शुरू हो चुका है और काफ़ी लोगों के मन में घबराहट है कि अब आगे क्या होगा, ब्रैडकॉम ग्रुप क्रैश हो जाएगा क्या, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि ब्रैडकॉम ग्रुप का करीब करीब 40% रेवेन्यू और प्रॉफिट इजराइल की सब्सिडरी OMS से आता है। तो काफ़ी लोगों के मन में डर है कि इजराइल पे जो अटैक हुआ है उसके कारण कल BCG क्रैश हो सकता है। फ्रेंड्स देखिए, OMS का जो बिजनेस है सिर्फ इजराइल लोकल में नहीं है, उनके मेन क्लाइंट्स जो है वो है यूरोप, अमेरिका, लैटिन अमेरिका, यहाँ पर फैले हुए हैं, और इनका बिजनेस है टोटली ऑनलाइन, ऑफलाइन नहीं है, और उनका बहुत ज़्यादा स्टाफ इजराइल पे ही रहता है, ऐसा नहीं है, उनका जो स्टाफ है ये अलग अलग कंट्रीज में फैला हुआ है। और अनटिल एंड अनलेस इजराइल गवर्नमेंट ऑनलाइन सर्विसेज बंद कर देती है इमरजेंसी में, जैसे इंटरनेट बंद कर देती है, वाईफाई बंद कर देती है, तो कुछ दिनों के लिए ज़रूर बिजनेस अफेक्ट हो सकता है। बट ये जो बिज़नेस है एडटेक का, इसमें कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना नहीं होता है, जहाँ जहाँ भी ऐड चलती है वहाँ पर उनको वो जो ऐड से रेवेन्यू जनरेट होता है वो तो ऑटोमेटिक चलता ही है, कि जो जो कंट्री में वॉर के कारण कुछ इंटरनेट वगैरह बंद नहीं किया गया है, जो कि अब तक तो सुनने में नहीं आया है, क्योंकि अभी तक वॉर इजराइल और गाज़ा जो इलाका है उसके बाहर गया नहीं है कहीं पे भी, तो कहीं पे भी ऐसा पैनिक का सिचुएशन नहीं है कि इंटरनेट सुविधाएं बंद कर दी गई है, ऐसा कोई बड़ा पैनिक नहीं है। तो जिसके कारण बहुत ज़्यादा ब्रैडकॉम ग्रुप के रेवेन्यू में और प्रॉफिट में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा ऐसा लगता तो नहीं है इसका, बट इम्पैक्ट पड़ेगा अभी तो Q3 पर पड़ेगा, Q2 पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि Q2 ऑलरेडी पास हो चुका है, सितंबर ख़त्म हो चुका है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट तो नहीं पड़ना चाहिए। और जनरली ऐसा देखा गया है कि इजराइल के जो भी वॉर पहले भी जो हुए बड़े बड़े, वो ज़्यादा लंबे चले नहीं हैं, 1 वीक से 3 वीक्स के बीच में ही ख़त्म हो जाते हैं। और पूरे वर्ल्ड की सब पावर्स भी नहीं चाहेगी कि ये वॉर ज़्यादा बढ़े, क्योंकि उसके आसपास सेंसिटिव एरिया कौन सा है, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ है, वो अगर इस वॉर में इन्वॉल्व हो गई तो सभी को तकलीफ होगी, पूरे वर्ल्ड को इकोनॉमी को इफेक्ट होगा, तो कोई भी नहीं चाहेगा कि ये वॉर ज़्यादा बढ़े, इसका सोल्यूशन निकल के ख़त्म होने की ही राह देखेंगे सब लोग। तो इसीलिए ऐसा लगता तो नहीं है कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट ब्रैडकॉम ग्रुप पे पड़ेगा, बट हाँ कल मार्केट में करेक्शन आना थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेड है, और प्लस ब्रैडकॉम ग्रुप का जो रेवेन्यू है वो इजराइल से मेजरली आता है, तो इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हमें 1-2 दिन ब्रैडकॉम ग्रुप के शेयर पर देखने को मिल सकता है। अब 1-2 दिनों में क्या इम्पैक्ट, क्या टर्न लेता है ये वॉर, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि आगे ब्रैडकॉम ग्रुप की चाल कैसे रहेगी। इन द मीन टाइम कंपनी की ओर से कोई नोटिफिकेशन आ जाए, जो कि इजराइल सब्सिडी की ओर से आ जाए, कोई ट्वीट आ जाए, या इजराइल का जो फेसबुक पेज है ब्रैडकॉम का, वहाँ से कुछ आ जाए कि भाई सब नॉर्मल है, हमें कोई तकलीफ नहीं है, सब ठीक है, या कंपनी की ओर से नोटिफिकेशन आ जाए, और कंपनी की ओर से नोटिफिकेशन एक्चुअली जारी करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में कि हमारा इजराइल के सब्सिडी में ये चल रहा है, वो चल रहा है, अच्छा है, बुरा है, जो भी है, तो जिसके कारण सब इन्वेस्टर लोगों को इन्फॉर्मेशन रहेगी कि वहाँ पे क्या एग्जैक्टली हो रहा है। बट ओवरऑल देखा जाए तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो ज़रूर देखने को मिलेगा ब्रैडकॉम ग्रुप पर, बट अब कितना गिरता है ये डिपेंड करेगा मार्केट की गिरावट पर भी, और इजराइल के सब्सिडी के ऊपर कोई न्यूज़ आती है क्या, उस पर भी डिपेंड करेगा। बट जैसे कि मैंने आपको बताया, इनके क्लाइंट्स यूरोप, अमेरिका, लैटिन अमेरिका में फैले हुए हैं, तो वहाँ से बिजनेस अफेक्ट नहीं होना चाहिए, यही आशा करते हैं, और आशा करते हैं कि ब्रैडकॉम ग्रुप में बहुत ज़्यादा गिरावट ना हो इस पैनिक के सिचुएशन में, क्योंकि मुश्किल से शेयर चलना शुरू हुआ है, और अभी भले कंसोलिडेट कर रहा है, थोड़ा वही रेंज में घूम रहा है, बट अब ये न्यूज़ के कारण थोड़ी गिरावट भी हुई, तो आशा करते हैं कि जल्द से जल्द कुछ सोल्यूशन निकल जाए इस वॉर पर, या कंपनी की ओर से कोई नोटिफिकेशन आ जाए अबाउट इजराइल सब्सिडरी, तो फिर से एक पॉजिटिविटी बन सकती है। देखते हैं कल क्या होता है, बट कल गिरावट होने की संभावना थोड़ी बहुत तो लगी रही है। थैंक यू फ्रेंड्स।